Good morning students, welcome to PN Mercy e-learning classes. So up till now students we have studied two chapters. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 3, synthetic fibers and plastics. So let's start chapter number 3. The clothes which we wear are made up of fibers. Fibers are made from fibers obtained from natural or artificial sources. जो कपड़े हम पहनते हैं वो किसके बने होते हैं? फाइबर्स के. और फाइबर्स हमें मिलता कहाँ से है? दो तरह के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स भी होते हैं. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो नेचुरली हमको मिलते हैं पेड़ों से और या एनिमल्स से, और आर्टिफिशियल फाइबर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज के अंदर बनते हैं. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? यस, जूट. जूट इज़ अ नेचुरल फाइबर जिससे रस्सी बनती है. कॉटन. कॉटन इज़ अ नेचुरल फाइबर. सिल्क. सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर. और एक और फाइबर होता है जिसे हम बोलते हैं कोकोनट से मिलने वाला फाइबर, दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल फाइबर. फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स. हाउस होल्ड आर्टिकल्स का मतलब घर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान, उसमें काफ़ी जो है इस्तेमाल जो है फाइबर्स का होता है. जो आपने कई बार देखा वो कॉयर मैट होती है, घर से बाहर तब अंदर तब जाते हैं तो एक मैट बिछी होती है जिसे हम पैर पूछते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन के, सॉरी कोकोनट के. जो पील होता है ऊपर का जो ब्राउन कलर का जो छिलका होता है उससे बनती है. मेक अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स. ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. अगर हम अपनी बात करें कि बहुत सारे फाइबर्स का अगर हम नाम लें जो घर में इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो नेचुरल होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके आर्टिफिशियल होंगे. मेड एंट्री इन टेबल 3.1. नाउ यू हैव टू राइट द नेम्स ऑफ आर्टिकल्स एंड देन यू हैव टू टेल इट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल फाइबर. व्हाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ फाइबर्स को आपने आर्टिफिशियल फाइबर्स क्यों कहा? ऐसा आपने क्यों कहा कि ये आर्टिफिशियल फाइबर है? इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या है? वो आर्टिफिशियली हमको नहीं मिलते हैं, वो लेबोरेटरी के अंदर बनाए जाते हैं या फैक्ट्रीज के अंदर बनाए जाते हैं. यू हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? कॉटन है, वूल है, सिल्क है, ये सब जूट है, ये सब क्या होता है? कॉयर है. ये सब क्या है? आपके नेचुरल फाइबर्स हैं. एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स. दे आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स. क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, आदमी फैक्ट्रीज के अंदर बनाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? मैन मेड फाइबर्स. नाउ आवर टॉपिक इज वॉट इज सिंथेटिक फाइबर्स. Try to recall the uniform pattern of pattern found in a necklace of beads joined with the help of thread. अब आप सोचो आपके पास एक माला है, माला को आपने, माला में मोती हैं, सारे मोती एक साथ joined हैं. किससे joined है? आपके धागे से, ठीक है, thread से, जैसे कि आप देख रहे हैं figure 3.1 में A में, ठीक है. और try to join the number of पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर 3.1b. या फिर आपने यूपिन जो ले लिए हैं उनको आपस में ज्वाइन किया और एक पूरा का पूरा क्या बना लिया? आपने नेकलेस जैसा बना लिया, जैसे कि आप किस में देख रहे हैं? फिगर 3.1b में. इज देयर एनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द टू? अगर दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटीज़ है, वो जो फर्स्ट वाला जो ए नेकलेस है जिसको आप बीड्स वाला, और दूसरा वाला जो है पेपर क्लिप वाला जो नेकलेस है उस वो जो है, सब दोनों में सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों के जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है. एक मोती दूसरे मोती से एकदम सिमिलर है. ऐसे ही एक यूपिन, दो यूपिन, तीसरी, सारी यूपिन्स जो हैं वो आपस में सिमिलर है. सिमिलरली सारे बीड्स जो हैं आपस में सिमिलर हैं. द सिंथेटिक फाइबर इज़ ऑल्सो अ चेन ऑफ सिमिलर यूनिट जॉइंट टुगेदर. तो सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या होते हैं? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, सिमिलर यूनिट्स होते हैं, सिमिलर केमिकल्स होते हैं जो जॉइंट होते हैं, सॉरी सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में जॉइंट होते हैं. ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस. और हर एक स्मॉल यूनिट तो क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है. जैसे कि नेकलेस की बात करें, नेकलेस में हर एक मोती एक यूनिट है, उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो आपस में
सिमिलर यूनिट, वी कैन से सिमिलर यूनिट आपस में कंबाइन होते हैं, और सारे जो यूनिट होते हैं वो सब सिमिलर होते हैं. मैनी सच स्मॉल यूनिट कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. और ये सारे छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं आपस में मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर्स. बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे मोती मिलके क्या बना लेते हैं, नेकलेस, इसी तरह सारे यूनिट मिलके क्या बना लेते हैं, पॉलीमर. द वर्ड पॉलीमर कम्स इन फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड. पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट्स. मतलब ये जो पॉलीमर वर्ड्स है वो कहाँ से आया है, ग्रीक से. पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी, एंड मर का मतलब होता है पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स. सो द पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट. तो हम ये कह सकते हैं कि पॉलीमर जो है वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट, एक जैसे यूनिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलीमर. नाउ पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो. कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. अब पॉलीमर जो है आप ये नहीं कह सकते कि आर्टिफिशियल फाइबर्स के अंदर ही है, पॉलीमर नेचर में भी मतलब नेचुरली भी अकर करता है. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कॉटन की, कॉटन जो होता है छोटे छोटे यूनिट्स का बना हुआ होता है, और उन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. और जो सेल्यूलोज किसका बना होता है, लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स. सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर हमारा आता है रेयॉन. यू हैव लर्न इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर लॉन्ग टाइम. आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो सिल्क फाइबर है सबसे पहले कहाँ पर डिस्कवर हुआ, चाइना में. पर चाइना वालों ने उसको इतना ज़्यादा छुपा के रखा कि किसी को बताया नहीं, बहुत समय तक किसी को बताया नहीं. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. अब जो फाइबर, जो फैब्रिक ऑप्टेन, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फैब्रिक जो ऑप्टेन होता था सिल्क से, वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है. आज भी वो महंगा होता है, सिल्क की बनी हुई साड़ियाँ या सिल्क के बने हुए कोई भी कपड़ा जो होता है वो भी महंगा होता है. बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्स्चर फैसिनेटेड एवरी वन, बट दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, तो सब लोगों को बहुत पसंद आता है. एटम्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियल. अब जो साइंटिस्ट थे वो ऐसे अटेम्प्ट करने लगे कि जो सिल्क हम भी बनाएं ऐसा, जो आर्टिफिशियली हम उसको ऐसा सिल्क बनाएं जो आर्टिफिशियली हम फैक्ट्रीज के अंदर बना सकें. टूवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑप्टेनिंग अ फाइबर हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. अब एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में कहीं जाके साइंटिस्ट लोगों को क्या मिला, सक्सेस मिला, और उनको क्या नाम, सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क, उन्होंने एक ऐसा फाइबर बना लिया फैक्ट्री के अंदर जो कैसा था, सिल्क के जैसा ही था. सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. अब ये जो फाइबर उन्होंने फैक्ट्री के अंदर डेवलप किया, वो कैसे डेवलप किया, उन्होंने डेवलप किया बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑन वुड पल्प. वुड पल्प का मतलब होता है वुड को गलाने के बाद में एक पल्प जैसा बन जाता है. वुड को रखो पानी में कुछ समय तक, वो गल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज वुड पल्प. दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क. इस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क. ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प, येट इट इज मैन मेड फाइबर. वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि रेयॉन जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, एक नेचुरल फाइबर से होता है, दैट इज वुड पल्प. पर फिर भी हम उसको, बिकॉज इट इज मैन मेड, फिर भी हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे मैन मेड फाइबर. इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर. वो क्या होता है, सिल्क से थोड़ा सा चीप होता है, सस्ता होता है, और बिल्कुल कैसा दिखता है आपको, सिल्क फाइबर जैसा दिखता है. इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स. और उसकी, उसके अंदर हम बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में उसको कलर भी कर सकते हैं, उस क्लॉथ को, रेयॉन क्लॉथ को. रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स टू मेक एंड और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स. अब रेयॉन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करेंगे तो बेड शीट्स बना सकते हैं, और अगर हम उसको वूल के साथ में मिक्स करेंगे इस फाइबर को, तो हम क्या बना सकते हैं, कारपेट्स भी बना सकते हैं. तो ये था रेयॉन. नेक्स्ट फाइबर इज नायलॉन. Nylon is also an artificial fiber. So, nylon is another man-made fiber.
In 1931, it was made without using any natural raw material from plants or animal. और 1931 में जो नायलॉन नाम का फाइबर है वो बनाया गया इन फैक्ट्रीज, और उसमें जो है अब कोई भी मैन मेड फाइबर का इस्तेमाल नहीं किया गया. जैसे रेयॉन के अंदर मैंने आपको बताया था, रेयॉन के अंदर वुड पल्प का इस्तेमाल किया गया, पर नायलॉन के अंदर किसी भी नेचुरल थिंग का मटीरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया. इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल. किससे प्रिपेयर किया? Coal, water and air. It was first fully synthetic fiber. जो nylon fiber है ये क्या है आपका? Fully synthetic fiber है. इसके अंदर किसी भी natural substance का इस्तेमाल नहीं किया गया है. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash. अब क्या होती है, ये चमकता भी अच्छा है, इसकी चमक भी अच्छी होती है, बहुत आसानी से धुल भी जाता है. So it become very popular for making clothes. We use many articles made from nylon, such as socks. आपकी जो socks होती हैं, जो स्कूल में आप पहन के आते हैं ना, वो socks जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? Nylon की. Ropes, tents, toothbrushes, car seat belts, sleeping bags, curtains, etc. ये सब के सब किससे बने होते हैं? आपके nylon से. Students, nylon is very strong. It is also used for making parachutes, as you can see in the picture. नायलॉन का जो फाइबर है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? पैराशूट बनाने में. एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग. रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स का इस्तेमाल होता है उसमें भी नायलॉन फाइबर की रोप्स बनाई जाती हैं, एज यू कैन सी इन फिगर 3.4. अ नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर. नायलॉन का फाइबर इतना स्ट्रांग होता है कि जो स्टील का वायर होता है ना उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है. इज नायलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रांग दैट वी कैन मेक नायलॉन पैराशूट्स and ropes for rock climbing? Yes, we can make parachute and rocks for and ropes for rock climbing. So student, this is the end of today's video. Goodbye.